अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्विंग विद दीबा। फ्रेंड्स, आज हम कटिंग एंड स्टिचिंग करना सीखेंगे प्रोफेशनल स्टाइल कमीज़ की। देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास कमीज़ है, ये मैं आपको बताऊंगी कि प्रोफेशनल टेलर्स जो होते हैं वो किस तरह एक प्रोफेशनल तरीके से कमीज़ की कटिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स, कटिंग करने से पहले सबसे पहले हमें नाप को समझना होगा। ये देखें, मैंने ये नाप लिखा हुआ है, ये देखें, इसकी लेंथ है 42 जमा 2 यानी 44। तैयार लेंथ इसकी 42 है, हम उसमें जमा 2 करके 44 पे से निकालेंगे तो तैयार वो 42 आ जाएगी। शोल्डर है 8 इंच, शोल्डर डीप है 9 इंच, चेस्ट है 21, कमर 19। देखिए चेस्ट 21 है, 2 कम किया तो 19, अब 21 में 2 जमा करेंगे तो 23 हिप हो जाएंगे। कमर लाइन और हिप लाइन है 6.5 इंच, और जो आस्तीनों की लंबाई है यानी स्लीव्स की जो लेंथ है वो है 20 इंच तैयार पर, हम उसमें +2 करेंगे तो 22 पे हम उसे कटिंग करेंगे और 20 तैयार हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फाइनली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को ना दबाना भूलें, ताकि हमारी हर आने वाली नोटिफिकेशन की वीडियो आसानी तक आप तक पहुँच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, बगैर टाइम ज़ाया किए कटिंग स्टार्ट करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने कपड़े को ले लिया है और इसको इस तरह से हमने फोल्ड करके रखा हुआ है। ये देखें, इस तरह से हमने कपड़े को ले लिया है। ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से जो ये कपड़ा है ये खुला हुआ है और यहाँ से जो ये कपड़ा है वो जुड़ा हुआ है। ये देखें इस तरह से। सो फ्रेंड्स, जब भी आप कटिंग करें एक यानी इस तरह, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें यहाँ ये एक है तो एक से यहाँ से आप रखें इस तरह इंची टेप से यूँ रख के लेंथ जितनी भी आपको चाहिए वो आपने लेंथ निकाली। इससे क्या फ़ायदा होगा, आप जब यहाँ तक लेंथ निकालेंगे जितनी भी आपको चाहिए तो जब ये पीस खोलेंगे तो ये आपको जुड़ा हुआ पीस मिलेगा। ये देख रहे हैं आप इस तरह से। अगर आपने फॉर एग्जांपल यहाँ से एक रखने के बाद यहाँ तक लेंथ निकाल दी और जब आपने यहाँ तक इसे कटिंग किया तो आप जब देखेंगे आपको 2 पीसों में मिलेगा। तो फ्रेंड, ये कभी भी मत करें, जब भी लेंथ निकालें इस तरह से निकालें। ये देखिए, इस तरह से लेंथ निकालने के बाद ये आपको जुड़ा हुआ पीस मिलेगा। चलिए फ्रेंड्स, इस तरह से नो पे निशान लगा लिया है। अभी हम शोल्डर नहीं, सिर्फ शोल्डर डीप ले रहे हैं। अब इस नो के बाद हम लेंगे जो कमर लाइन है, कमर लाइन है 6.5, देखिए इस तरह से 6.5 पे निशान लगाएंगे। देखिए, अब यहीं से लेंगे हिप लाइन भी 6.5 इंच की है। अब इन निशानों को सबसे पहले सीधा कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये जो हमने शोल्डर डिप का निशान लगाया 9 इंच का, उसके बाद ये 6.5 कमर लाइन का, और उसके बाद दोबारा 6.5। यहाँ से देखिए, इस तरह से तीन निशान लग गए हैं। अब जो हमने ये पहला निशान लगाया था यानी शोल्डर डिप का, हम यहाँ से सबसे पहले चेस्ट की फिटिंग ले लेते हैं। चेस्ट की फिटिंग थी 21 इंच, 21 इंच का हाफ हुआ 10.5। ये देखें, 10.5 पे हमने निशान लगा दिया है। अब लेंगे कमर, 21 में 2 कम किए तो 19 हो गए, 19 का हाफ हुआ 9.5। ये देखें, 9.5 हमने कमर ले ली है। और आप लेंगे हिप थे 23 इंच के, 23 का हाफ हुआ 11.5। ये देखिए निशान लगा दिया है। अब इन तीनों निशानों को आपस में इस तरह से अटैच कर देंगे। देखें, इन तीनों निशानों को हमने आपस में इस तरह से मिला दिया है। कटिंग का मार्जिन डालेंगे, चेस्ट से हम लेंगे 2.5 इंच, कमर से लेंगे 2 इंच, और फिर हिप से लेंगे 2 इंच। अब इन तीनों निशानों को आपस में मिला देंगे। ये देखें फ्रेंड्स, कटिंग का जो मार्जिन है वो अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए इस तरह से। तो पहले नीचे के निशान जो चेस्ट और कमर के थे वो तो लगा। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने कैमरे के एंगल को घुमा दिया है क्योंकि अब यहाँ शोल्डर डीप बनाने हैं और मेन इसमें शोल्डर डीप पे काम है जो आपको समझाना है, बाकी तो निशान सब वैसे ही थे। सो फ्रेंड देखिए, अब शोल्डर किस तरह हम शोल्डर डीप लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ से लेंगे 8 इंच, ये देखें 8 इंच पे हमने यहाँ निशान लगा दिया है, और यहाँ से भी जैसे हम नॉर्मल 8 इंच लेते हैं, देखें इस तरह से 8 इंच लेने के बाद इस निशान को इस तरह सीधा कर देते हैं। या देखिए इस तरह से सीधा कर देते हैं, ये शोल्डर बन गए। लेकिन इसमें क्या चेंज है कि 8 इंच लेने के बाद, ये देखिए फ्रेंड्स, ये बंद हिस्सा है और ये खुला हिस्सा जो है वो मेरी तरफ है और बंद हिस्सा आप उस साइड पे है। ये देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ से लेंगे जो खुला हिस्सा है यानी इस तरफ से हम लेंगे 1 इंच। ये देखें, हमने 8 और 8 के शोल्डर लेने के बाद इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब यहाँ से हम लेंगे 1 इंच, ये देखें इस तरह से 1 इंच लेने के बाद इस निशान को इससे मिला देंगे। ये देखें इस तरह से,
ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने इस निशान को इससे मिला दिया है। अब देखिए ये कितना बनेगा। यहाँ से हमने लिया 8 इंच और जब यहाँ से लेंगे तो यहाँ से टोटल बनेगा 9 इंच। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमने 8 इंच के शोल्डर लिए और नीचे जहाँ हमने 9, ये देखिए 8 इंच के यहाँ से हमने ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमने 8 इंच के शोल्डर लिए और 9 इंच का जो शोल्डर टिप का निशान था, देखिए ये वाला, यहाँ से हमने 9 इंच के शोल्डर लिए और इस निशान को इस निशान के साथ इस तरह से तिरछा मिला दिया। ये देखें, इस निशान को इस निशान से इस तरह तिरछा मिला दिया। अब ये जो निशान है, ये है बैक के शोल्डर की कटिंग का। सो फ्रेंड्स, जैसे नॉर्मली हम यहाँ से 1.5 इंच लेते हैं, देखें वही लेंगे 1.5 इंच और यहाँ दे देंगे डीप की इस तरह से। जैसे कि मैं आपको एक बार दोबारा समझा देती हूँ, यहाँ से हमने जो शोल्डर लिए हैं वो लिए हैं 8 इंच के। ये देखें 8 इंच के लेने के बाद ये जो लाइन थी हमने शोल्डर डीप की बनाई थी, ये देखें 9 इंच वाली, यहाँ से हम लेंगे 9 इंच। यहाँ से हमने 8 इंच शोल्डर लिए, यहाँ से हमने 1 इसमें जमा कर देना 9 इंच और उस 9 को इस 8 से इस तरह तिरछा मिला देंगे। फ्रेंड्स, ये है बैक के डिप की कटिंग। इसमें नॉर्मली वही जो 1 इंच हम लेते हैं, लेने के बाद इस तरह से देखिए गुलाई डाल देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हो गई बैक के डिप की कटिंग। अब हम इसमें फ्रंट की कटिंग कैसे करेंगे, ये देखिए फ्रेंड्स, इसी निशान से जो हमने यहाँ 9 इंच का लगाया था, यहाँ से हम लेंगे 0.5 इंच। ये देखिए फ्रेंड्स, 1 में 2 लाइन कम, 0.5 इंच हम इस पर निशान लगा रहे हैं और इस निशान को अब इस निशान के साथ इस तरह अटैच कर देंगे। ये देखें, इस तरह से हमने इसको अटैच कर दिया है और यहाँ भी हम इसी तरह 1.5 इंच की लाइन बनाने का बस गुलाई बना देंगे। फ्रेंड्स, जो हम कटिंग करेंगे वो पहले जो हमने बैक के गले, फ्रेंड्स अब हम जो फ्रेंड जो हम सबसे पहले कटिंग करेंगे वो ये वाली कटिंग करेंगे जो हमने 9 इंच का शोल्डर डीप वाली ली थी। ये कटिंग करने के बाद हम इस पीस को अलग करके जो हमने अलग से निशान लगाया है डीप का, वो फ्रंट के डीप का, वो हम बाद में कटिंग करेंगे, क्योंकि फ्रंट के जो डीप की कटिंग होती है वो सिर्फ फ्रंट पे होती है, बैक पे नहीं होती। सबसे पहले हम इस तरह ये कटिंग करेंगे। अब फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लंबाई देख लेते हैं। लंबाई का जो हमने निशान है वो लगा के रखा हुआ है, 44 लंबाई थी। ये देखें 44 की जो लंबाई है ये हमने निशान लगा के रखा है। अब इस निशान को जो हिप के निशान है फिटिंग का, ये देखें जो हिप का निशान है जो हमने कटिंग के लिए मार्जिन लिया था, वहाँ से हम ये सीधा निशान इस तरह लगा देंगे। अगर आप चाहें तो इसे एयरलाइन स्टाइल में इस तरह तिरछा भी कर सकते हैं, पर हमने सीधा रखना है कमीज का, तो हम इस तरह सीधा निशान लगाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, ये निशान कम्प्लीट हो गए हैं। अब हम इसमें शोल्डर की कटिंग कर देते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम नेक का निशान लगाते हैं। इसमें 3.5 के हम जो है वो गला बनाएंगे। 3.5 पे इस तरह निशान लगाने के बाद यहाँ से 0.5 इंच शोल्डर और फिर इस दोनों निशानों को आपस से मिला देंगे। सो फ्रेंड्स, ये तो कटिंग कंप्लीट हो गई है। फ्रेंड्स, में सिर्फ जो कटिंग का डिफरेंस था वो शोल्डर डीप का था, जो हमने आपको समझा दिया है। बस अब हम जो कटिंग करेंगे, ये वाली कटिंग से इस तरह और फिर ये वाली कटिंग से ला के इस तरह और फिर ये कटिंग को इस तरह निकाल देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, कटिंग स्टार्ट करते हैं। सो देखें फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये कटिंग करेंगे जो हमने 9 इंच के डीप की लगाई थी। ये देखें इस तरह से, ये देखें फ्रेंड्स, इस तरह से हमने इसे कटिंग कर दिया है। और अब ये जो कटिंग का निशान है, जो हमने कटिंग का मार्जिन लिया था फिटिंग का, वो हम कटिंग करेंगे। ये देखें फ्रेंड्स, इस तरह से कटिंग करने के बाद अब ये जो नीचे की कटिंग है हम इसे कर देंगे। ये देखें, सो फ्रेंड्स देखें, हमारा जो बॉर्डर है वो बिल्कुल इजीली हमें मिल गया है। ये देखें, बस ये कटिंग ना करने की वजह आपको सिर्फ समझाने के लिए था कि बाद में कटिंग करें तो ज़्यादा बेटर रहता है। ये देखें फ्रेंड्स, तरह से हम इसे कटिंग करके निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स देखें, दूसरी कटिंग हमने कर ली है। अब हम इसमें सबसे पहले फ्रंट का जो पीस है उसे अलग कर लेंगे और बैक का जो पीस है उसे अलग कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बैक का पीस है तो हमने इसे अलग कर दिया है और फ्रंट के पीस को इस तरह से हमने रख लिया है। अब हमने जो ये निशान लगाया था, ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमने 9 इंच का लगाया था वो तो हमारा था बैक की कटिंग डिप, और यहाँ से फिर हमने जो 0.5 इंच का लिया था और गुलाई बनाई थी वो भी फ्रंट की कटिंग। सो फ्रेंड्स, इसी तरह हम फ्रंट की कटिंग को भी कर लेते हैं। ये देखें, इस तरह से बिल्कुल आराम से कटिंग करेंगे। ये
ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये कटिंग हम कर देंगे कंप्लीट। ये देखिए तो फ्रेंड्स, देखें ये हमने बेक की कटिंग भी कर दी है, बिल्कुल जो हमने निशान लगाया था उसी पर आप इसी तरह लगाएंगे तो आपको कोई टेंशन नहीं होगी। फ्रेंड्स से बिल्कुल आसान कटिंग है, बस इसमें सिर्फ बेक की कटिंग की चेंजिंग थी। और फ्रेंड्स में जो कंधे रह गए थे हम वो कटिंग कर देते हैं। ये देखें, मैं आपको इसका डिफरेंस भी दिखाती हूँ कितना आएगा। ये देखें, इसको हमने इस तरह अटैच करके रखेंगे तो ये देखें, देख रहे हैं फ्रेंड्स कितना डिफरेंस आ रहा है। ये वाला पीस यहाँ है और ये नीचे, उस तरह फ्रेंड्स का डिफरेंस आता है। अब सो फ्रेंड्स, अब जो ये शोल्डर डाउन करने हैं हम इसे कटिंग कर देंगे। ये देखें इस तरह से, और एक सेंटर में छोटा सा फ्रेंड्स। ये देखें, कमीज की कटिंग कंप्लीट हो गई है, प्रोफेशनल स्टाइल कमीज कटिंग। और देखें, इसमें हमें अलग से डीप की कटिंग करने की जरूरत नहीं है, डीप पहले से कटिंग है। ये देखें कितना डिफरेंस है दोनों में। अब ये वाला जो पीस है वो फ्रंट का है और ये जो वाला ये जो पीस है वो बैक का है। फ्रेंड्स ये कटिंग तो कंप्लीट हो गई है, अब इसमें रह गई है अस्तीनों की कटिंग। तो चलो फ्रेंड्स देखें, इस तरह से हमने अस्तीनों का कपड़ा ले लिया है और अब हम इसमें जल्दी से अस्तीनों की कटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हम अस्तीनों की लंबाई लेंगे। अस्तीनों की लंबाई जो हम लेंगे वो 22 इंच है, ताकि तैयार 20 इंच आ जाए। 2 इंच हमने कटिंग के लिए रखा है कपड़े को। अब सबसे पहले इस निशान को हम सीधा कर देंगे। ये देखें इस तरह से फ्रेंड्स। अब ये जो बंद हिस्सा है वो हमने अपोजिट साइड पर रखा हुआ है, खुला हुआ हिस्सा हमने अपनी तरफ रखा है। बंद हिस्से से हम इस तरह लेंगे चौड़ाई में 1 इंच। ये देखें, चौड़ाई में हमने 1 इंच लिया और फ्रेंड्स लंबाई में हम लेंगे 3 इंच। ये देखें फ्रेंड्स, चौड़ाई में 1 इंच, लंबाई में 3 इंच। ये देखेंगे 3 इंच का निशान है। अब इन दोनों निशानों को हम इस तरह आपस में अटैच कर देंगे। ये देखें फ्रेंड्स, तरह से हमने इन दोनों निशानों को अटैच कर दिया है। और अब हम इसका हाफ निकालेंगे। देखें इस निशान से इस तरह हम तिरछा रखेंगे, सीधा नहीं रखेंगे। इस निशान तक तिरछा रखने के बाद देखें ये 9.5 आ रहा है। 9.5 का हाफ निकालने का आसान तरीका है, आप इस वाले येलो पॉइंटर को यहाँ रखने के बाद इस तरह प्रेस कर दें और देखें खुद ब खुद आपको हाफ मिल जाएगा। ये देखें, ये हाफ मिल गया है। अब हम सबसे पहले यहाँ ऊपर बुलाई देंगे और फिर नीचे बुलाई देंगे। ये देखिए, मैं आपको स्टार्ट करके दिखाती हूँ। ये देखिए 1, 2, 3 निशान है। अब सबसे पहले हम यहाँ से ऊपर से बुलाई देंगे इस तरह, और फिर जो ये वाला निशान है बाई का हिस्सा, खुला हुआ हिस्सा, इससे हम नीचे की तरफ इस तरह बुलाई देंगे। तो फ्रेंड्स ये देखें, आसीनों की बुलाई बन गई है। अब लूजिंग जो है वो हम ले लेते हैं। फ्रेंड्स अब इसमें लूजिंग यानी सीने को फिटिंग ले लेते हैं। यहाँ हम ले रहे हैं चेंज, देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने लिया है चेंज। आप इसे कम और ज़्यादा कर सकते हैं। देखें, और 2 इंच हम यहाँ डालेंगे कटिंग का मार्जिन। सो फ्रेंड्स ये देखें, 2 इंच का हमने निशान लगा दिया है। अब इन दोनों निशानों को आपस में इस तरह से मिला देंगे। ये देखें, ये जो हमने गुलाई बनाई थी असीनों की, ये जो हमने असीनों का निशान लगाया था उससे मिला देंगे। सो फ्रेंड्स देखें, असीने तैयार हैं। सबसे पहले ये जो हमने लंबाई का कपड़ा अलग की लंबाई का निशान लगाया था उसे अलग कर देंगे। ये देखें इस तरह से, और अब यहाँ डीप की, और अब यहाँ सीनों की कटिंग कर देंगे। देखें देखें फिर इस तरह से हमने सीनों की कटिंग कर ली है। देखें, और अब ये देखें फ्रेंड्स, तरह से हमने सीने कटिंग कर ली है। अब ये जो कटिंग हमने निशान लगाया था यूजिंग का, अब उस निशान को हम इस तरह से कटिंग कर देंगे। ये देखें, तो फ्रेंड्स देखें सीने की कटिंग हमने कर ली है। अब यहाँ हमने आगे की डीप की कटिंग कर ली है। तो वो कैसे करेंगे हम, सब सबसे पहले इसको इस तरह से ओपन करेंगे। और ये देखें, ये 2 पीस है, 4 फोल्ड था, हमने इसको खोल दिया है। अब यहाँ हमने डीप के निशान लगाने हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम इस पर यूँ गुलाई बना देंगे। जैसे हमने कमीज पे डीपी कटिंग की थी उसी तरह हम असीनों पर भी डीपी कटिंग करेंगे। ये देखिए इस तरह से, और अब हम इस पर इस तरह से निशान लगा लिया है। और अब इसे इसी तरह हल्का इस तरह फ्रेंड्स, तकरीबन यह 1/2 इंच हम कटिंग कर रहे हैं। ये देखें,
डिफरेंस तरह से सिंगल कटिंग कम्प्लीट हो गई है, देखें कितना इतना डिफरेंस आ रहा है। और यहाँ एक सेंटर में छोटा सा कट लगा देंगे। सो फ्रेंड्स देखें सीनों की कटिंग कम्प्लीट हो गई है और कमीज की कटिंग भी हमने कम्प्लीट कर दी थी। सो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि और घंटी के बटन को ना दबाना भूलें ताकि हमारी हर आने वाली नोटिफिकेशन वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो फ्रेंड्स जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। वो हम याद रखिएगा अल्लाह।